नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने माता सीता के जीवन की तुलना तलाकशुदा की जिंदगी से कर दी है। मोहन यादव रविवार को उज्जैन के नागदा में कार सेवक सम्मान समारोह में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मर्यादा के कारण राम को सीता को छोड़ना पड़ा। उन्होंने वन में बच्चों को जन्म दिया, कष्ट झेल कर भी राम की मंगल कामना करती रही। आज के दौर में ये जीवन तलाक के बाद की जिंदगी जैसा है। मंत्री मोहन यादव ने कहा कि जिस सीता माता को राम इतना बड़ा युद्ध करके लाए, उन्हें गर्भवती होने पर भी राज्य की मर्यादा के कारण छोड़ना पड़ा। उस सीता माता के बच्चों को जंगल में उन्हें जन्म देना पड़ा। वह माता इतने कष्ट के बावजूद भी पति के प्रति कितनी श्रद्धा करती हैं कि वह कष्टों को भूलकर भगवान राम के जीवन की मंगल कामना करती हैं। भगवान राम के गुणों को बताने के लिए उन्होंने बच्चों को भी संस्कार दिए। आम तौर पर आज का समय हो तो यह तलाक के बाद का जीवन आप समझ लें। किसी को घर से निकाल दें तो ये क्या है? ऐसे कष्ट के बाद भी संस्कार कितने अच्छे कि लव कुश ने राम को दोबारा रामायण याद दिलाई। अच्छी भाषा में कहा जाए तो पृथ्वी फट गई और माता उसमें समा गई। सरल और सरकारी भाषा में कहा जाए तो उनकी पत्नी ने उनके सामने शरीर छोड़ा। शरीर छोड़ने को आत्महत्या के रूप में माना जाता है, लेकिन इतने कष्ट के बावजूद भगवान राम ने जीवन कैसे बिताया होगा? जिस सीता के बिना एक क्षण भी कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन उसके बाद भी भगवान राम ने राम राज्य के बारे में अपना जीवन दिया। आगे बढ़ेंगे तो उसके सामने भी भगवान लक्ष्मण ने भी प्राण त्यागे और फिर राम राज्य चलता रहा। मोहन यादव नगदा खचरौद क्षेत्र के कार सेवकों के सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे। उन्होंने वंदे मातरम ग्रुप की ओर से 94 कार सेवकों का सम्मान किया। इसमें कई दिवंगत हो चुके हैं, उनके परिजनों को नागरिक अभिनंदन व प्रमाण पत्र भेंट किया गया।